जयपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन और रामेश्वर डूडी को अधिवेशन में बोलने का अवसर मिला। किसानों से जुड़े प्रस्ताव पर बोले रामेश्वर डूडी। कल रात 11:30 बजे आया था केसी वेणुगोपाल का फोन, कहा आपको किसानों से जुड़े प्रस्ताव के समर्थन में बोलना है। आज डूडी ने किसानों के हितों पर अपनी बात रखी। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो चुका है। इस अधिवेशन की कई खास बातें रही, उनमें से एक है राजस्थान के कांग्रेस के नेता, किसान नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी ने किसानों से जुड़ा जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर अपनी बात अधिवेशन में रखी थी। और रामेश्वर डूडी के लिए ये इसलिए बड़ी अहम बात है और कांग्रेस की राजस्थान की इकाई के लिए भी एक अहम बात ये है, क्योंकि राजस्थान में केवल कुछ ही प्रमुख लीडर्स का संबोधन हुआ जिनमें से एक रामेश्वर डूडी रहे, जिन्होंने अधिवेशन में किसानों को लेकर आवाज़ बुलंद की। डूडी साहब, आज आपने अधिवेशन में अपनी बात रखी, प्रस्ताव था किसानों से जुड़ा, क्या ऐसे बिंदु रहे जिन पर आपने फोकस किया? देखो, आज देश का किसान किस स्थिति में गुजर रहा है उसके बारे में जो है कांग्रेस ने प्रस्ताव तैयार किया। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 85वां महाअधिवेशन था। उस अधिवेशन के अंदर किसानों, फार्मर और किसान से जुड़ा हुआ जो मजदूर है उनके विकास के लिए जो है प्रस्ताव तैयार किया गया, उसके बारे में मेरे को बोलने का मौका मिला। मैंने देश के किसान और प्रदेश के किसान की बात करी। आज देश का किसान इतना दुखी है क्योंकि किसान के पेट पे लात मारने का काम केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, उनको बरगलाने का काम कर रही है। उनको कहीं एक बार कह रहे हैं, चुनाव जब आते हैं लोकसभा के, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि हम आय दुगनी करेंगे। आज दुगनी तो दूर रही, किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। आज देश का किसान दुखी है क्योंकि आपको पता है कि अपने देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था खेती है और खेती से जुड़ा हुआ किसान यदि सशक्त और मजबूत नहीं होगा तो हमारा देश उन विकास की ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। आज देश के किसान को जरूरत है कि उसकी फसल का उचित मूल्य उसको मिले। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो उपभोक्ता पैसा दे रहा है किसी भी कृषि जिन्स का, उसमें 50% यदि किसान को मिल जाए तो देश का किसान जो है बड़ा सशक्त और मजबूत हो सकता है। और फिर हमने एक प्रस्ताव ये रखा कि उस प्रस्ताव के अंदर, क्योंकि ज़मीनों की जोत कम होती जा रही है, ज़मीनें कम होती जा रही है, आगे जो किसान की जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो पीढ़ी खेती में नहीं जा सकती। खेती कोई फायदे का धंधा नहीं रहा, खेती पेट पालने का धंधा नहीं रहा। आज खेती से जुड़ा हुआ किसान है, उसकी नई जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को हम रोज़गार देना चाहते हैं, अलग धंधों में लगाना चाहते हैं, उसको एक उद्यमी बनाकर और उसको कहीं छोटे मोटे कारोबार के अंदर डालकर उसको रोज़गार देना चाहते हैं, ऐसा हमने प्रस्ताव लिया। ये बहुत अहम बात है क्योंकि आज देश का किसान किस स्थिति से गुजर रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सामने बहुत बड़ा काला मैदान है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से किसान को कुचलने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको पता है कि देश के अंदर कृषि कानून लाई है, तीन कृषि कानून के अंदर वही देश के किसानों का काला कानून साबित हुआ। पूरे देश का किसान सड़कों पर आया, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस किसान से कंधा मिला के और किसान की मदद के लिए सड़कों पर खड़ा था। भारतीय जनता पार्टी को वापस झुकना पड़ा, उनको वापस बैक पे आना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का किसान से कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं। टूडी साहब से बात हुई कई मुद्दों पर और सबसे बड़े गौरव की बात ये कि राजस्थान के किसान नेता, धरती पुत्र रामेश्वर डूडी को अवसर मिला आज महाअधिवेशन में बोलने का। किसानों से जुड़े जो इनका खुद का एक पसंदीदा विषय उस पर उन्होंने अपनी बात कही। मेरे सहयोगी कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, रायपुर।